मार के एक अपने ही घर में रख सकता है। अरे मार डाला भैया मार डाला, पहले पत्नी को मौत के घाट उतारा, उसके बाद भाई को मार डाला, फिर बकायदा बाप को भी घायल कर दिया और खुद को भी गोली मार ली। होना क्या था भैया, मौके पर 12 बंकी जमत के सुबह थाना क्षेत्र में SP साहब पहुंच गए और जांच पड़ताल जुट गए। जो घायल थे उनको तत्काल हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अब देखो भैया, गाँव भर का जमावड़ा जुटा पड़ा था, प्रेम प्रसंग के चक्कर में ये सारा बखेड़ा हुआ है। SP साहब की बातों को कान खोल कर सुनिएगा। आज लगभग 11:30 के आसपास एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने छत पे चढ़ा हुआ है और वहाँ उसके हाथ में एक तमंचा है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची थी मौके पर और जानकारी मिली कि उस व्यक्ति ने अपने भाई को और अपने बाप को घायल कर दिया है किसी धारदार हथियार से मार के। यहाँ पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा जो उसके भाई हैं वो मृत थे, उनका जो भाई हैं उनके जो पिता हैं वो घायल थे, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। उसी क्रम में ये भी जानकारी में आया जो उसने खुद ही चढ़े हुए छत से बताया कि जो उसकी पत्नी है उसको भी उसने 2 दिन पूर्व मार के एक अपने ही घर में रख रखा है। उस पत्नी की डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया और उसके बाद उस व्यक्ति ने खुद को भी अपने आप को गोली मारी जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको भी अस्पताल लेके पुलिस ने भिजवाया है। जहाँ प्रथम दृष्टया अभी हम मौके पर हैं और यहाँ सभी जो एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है और प्रथम दृष्टया ये जानकारी में आया है कि ये व्यक्ति जिसने सभी को मारा है, इसकी जो पत्नी है उनका इसको शक था कि उनके छोटे भाई से कोई संबंध है, जिसको लेके इसने बताया कि मैंने समझाया भी अपनी पत्नी को लेकिन इन लोगों के आपस में बातचीत बंद नहीं हुई। यही इसको कुछ दिमाग में कन्फ्यूजन था और उसको लेके इसने आज ये घटना को कारित किया है। ये प्रारंभिक कारण पता चला है, बाकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा इसमें की जा रही है। जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आएंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, गांव वालों से बातचीत की जा रही है, किसी भी अन्य डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में अवगत कराया जाएगा। अब SP साहब जल्द ही खुलासा करेंगे, लेकिन देवर भाभी का चक्कर था, तब भाई बड़ा भाई कसाई बन जाता है और दोनों को निपटा देता, बाप को भी घायल कर देता और खुद को भी गोली मार लेता। अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा भैया और SP साहब मौके पर पहुंचे हैं, जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल 12 बंकी जम समेत सुबह के लिए आदत सावत के बोर्ड वीडियो को शेयर करो, चैनल लाइक करो, शमसर जी को भी समझेगी। और भैया भाभी से सावधान, मुझे बड़ा काम था, बड़े भाई देख लेंगे तो मौत घाट उतार देगा।